आइए आपको ले चलते हैं विक्रोली पाइप साइड के खन्ना कंपाउंड में, जहां आमना सामना मीडिया और जुर्म के खिलाफ आवाज की टीम पहुंची है। शिकायतकर्ताओं के कहने पर खन्ना कंपाउंड पर मोहन कामत, जयराम शेट्टी और जयलाल खन्ना की दबंगगिरी चलती है। खन्ना कंपाउंड में इन दबंगों ने 20 से 55 बाउंसर लगा रखे हैं। जो खन्ना कंपाउंड में 30 वर्षों से रहने वाले 20 से 25 घरों के रहने वाले और छोटे मोटे कारखानादारों का पानी, बिजली और रास्ता बंद कर रखा था। सूत्रों के अनुसार इन जुल्म सितम के खिलाफ खन्ना कंपाउंड के मुतासरीन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने कंपाउंड के गेट को बंद करने से मना किया। इसके बावजूद खन्ना कंपाउंड के दबंगों ने अदालत के आदेश को नजरअंदाज किया। आप देख सकते हैं जब हमारी मीडिया रिपोर्टर शाहिन पटेल अपनी टीम और शिकायतकर्ताओं के साथ खन्ना कंपाउंड पहुंची तो किस तरह से गेट पर ताला लगा दिया यहां के गुंडों और बाउंसर्स ने। देखिए किस तरह एक बाउंसर इनके साथ बहस कर रही है। आप देख सकते हैं स्कूल से आने वाले मासूम छोटे बच्चों के लिए भी खन्ना कंपाउंड के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। लोगों का आना जाना रोक दिया गया है। आपको बता दें कि जब पुलिस को फोन किया गया, पुलिस मौके वारदात पर पहुंची, तब जाकर बाउंसर ने दरवाजा खोला। आपको बता दें कि अदालत और विक्रोली पार्क साइड की मुदाखलत के बाद गेट को खोला गया। आमना सामना मीडिया जर्नलिस्ट शाहिन पटेल और शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन पहुंचे और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात की। पुलिस ने यह आश्वासन दिया कि हम गेट बंद नहीं होने देंगे। अरे दादागिरी से इन लोग हमको अंदर बंद कर दिया। जो यहाँ के रहवासी स्कूल से आया है उनको भी अंदर नहीं ले रहे इन लोग। अंकल तकलीफ में आया हो। देखो अगर बच्चों को अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे लोग? क्या मालूम बच्चे भी अब हाल है। चाबी चाबी कसम आने देते लोग कौन ऐसे ले चाबी हो कौन चाबी हो मैडम के चाबी है मैडम से ले जा गवर्नमेंट